नाव श्रुती रुझारियो. तुम्ही ऐकत असाची रेडिओ मनपसंद ऐकता राबाती फण घालणं. हाँ प्रकाश रेबेलो सगड आयका रेडियो मनपसंद तड़का लगा के. शुभ नमस्कार, गुड इवनिंग. आज है जी, आज है मंगलवार, ट्यूसडे की शाम, सुहानी शाम जी, 7 दिसंबर 2021. और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद ऑन एफएम 91.1 पर. जी हाँ, पूरा तड़का लगा के आज आपके साथ मैं हूँ, आपका मनपसंद आरजे मनीष. और आप सभी को मेरा सुप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते. जी हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे. जी हाँ, यहाँ समर हॉलीडेज हो गया शुरू, समर तो शुरू हो गया, हॉलीडेज का तो पता नहीं आपकी हॉलीडेज हुए हैं कि नहीं, मेरे तो शुरू हो गए हैं. और कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी हैं, जी हाँ, गर्मी का, ग्रीष्म ऋतु का आनंद उठाइए. छुट्टियाँ बस बच्चों की होने वाली हैं, आप भी छुट्टियाँ मनाने की तैयारी में लगे होंगे. लेकिन 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 जी हाँ, कोविड का खतरा अभी भी टला नहीं है, कोविड आपके आसपास घूम रहा है. तो प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवारों का ध्यान रखिए. और आप अपने आप ध्यान रखेंगे तो पूरे आपके मोहल्ले में, शहर में तो थोड़ी सी खुशहाली बनी रहेगी. जी हाँ, ओमिक्रॉन एक नया कोविड वायरेंट आ गया है, तो उसने थोड़ी सी हलचल मचा दी है, थोड़ा सा खतरा और बढ़ा दिया है. लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज आप रिस्ट्रिक्शंस का पालन कर रहे हैं. जी हाँ, और जितने भी हिदायतें आपको दी गई हैं कि मास्क पहनिए, ज़रूर पहनिए. जहाँ आपको डर लग रहा है प्लीज़ पहनिए, भीड़ भाड़ के इलाकों से अलग हट के रही है, और साथ में सैनिटाइज़र लेके चलिए, हाथ धोते रहिए वगैरह वगैरह जो आपको बोला गया. और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया है तो क्यों नहीं लगवाया है, प्लीज़ वैक्सीन जाके लगवा लीजिए. बिकॉज़ वैक्सीन ही एक ही वो कहते हैं एक मूल मंत्र है, या कहिए कि एक ही जुगाड़ है जिससे आप बच सकते हैं, हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं. तो वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन 98% से ऊपर, 98.5% कैनबरा वालों ने लगा लिया. वाह वाह, तालियां हो जाए, पीठ थपथपाइए कैनबरा वालों, आप लोगों ने तो वाकई कमाल कर दिया. 98, ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी 90% से ऊपर जा रहा है. तो सब जगह जी हाँ, वैक्सीनेशन का जो रेट है बढ़ता जा रहा है, आप भी लगाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारा रेडियो मनपसंद प्रोग्राम 24 घंटे 7 दिन, जो कि अब आपके हाथ में, आपके साथ में. चलिए, जैसे मैंने कहा छुट्टियां हो गई, समर जैसे ही वैकेशन यहाँ आता है तो साथ में लेकर आता है कुछ खुशियां, कुछ शांति, कुछ मौज मस्ती, क्योंकि क्रिसमस इज कमिंग. हो 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 हो, विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. जी हाँ, न्यू ईयर की तैयारी कर लीजिए, क्रिसमस की तैयारी कर लीजिए. और क्रिसमस की तैयारी करने के लिए या कर चुके हैं, हमारे कैनबरा कोंकण कम्युनिटी लेकर आ रहा है क्रिसमस का बहुत धमाकेदार पार्टी इवेंट, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं. और उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक नहीं दो दो विशेष मेहमान. चलिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वेलकम करता हूं. हमारे साथ हैं श्री प्रकाश रिबोलो जी, जो कि अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट ऑफ कैनबरा कोंकण कम्युनिटी के, और साथ में सेक्रेटरी. हमारे साथ हैं श्रुति भट्ट रोजारियो. नमस्कार, आपका स्वागत है. नमस्कार, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त. मस्त कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? जोर शोर से चल रही है. जोर शोर, अभी अगले 7 ही दिन बाकी है, थोड़े 7 से थोड़े ज्यादा दिन बाकी है, मगर 18th को हमारा क्रिसमस पार्टी है. सो जोर शोर से चल रही है तैयारी. लॉकडाउन खत्म हुआ तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होंगे कि बहुत दिन से बंद बैठे हुए हैं, क्या करें, कहां जाएं. तो क्रिसमस इज द टाइम टू चीयर अप. यप, एब्सोल्युटली. बहुत बढ़िया. चलिए क्रिसमस पार्टी के बारे में बात करेंगे, क्रिसमस के बारे में बात करेंगे. आपकी जो कोंकण कम्युनिटी है कैनबरा में, वो कितनी बड़ी है, कौन कौन है, कैसे आप लोग मनाते हैं, क्या क्या इवेंट्स करते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे. लेकिन उससे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे श्रुति एंड प्रकाश जी, आप लोग इंडिया में कहाँ से हैं, कब ऑस्ट्रेलिया आना हुआ और क्यों आना हुआ, वाई कैनबरा ओनली, कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए. या मेरा इंग्लिश और हिंदी चलेगा, एकदम बिंदास झकास लग रहा है. आई थिंक आपका मुंबईया कम टच कम कोंकणी हिंदी है. चलेगा चलेगा. सो मेरा नाम प्रकाश है एंड आई एम मैरिड टू विनी. I've got 2 kids, Janice and Ian. Janice is doing her engineering in ANU, and Ian is in his year 12. हम लोग 2011 में मेलबर्न में आए थे, and that was through my earlier company through Wipro, and I was transferred to Melbourne, and then so you came on a 457 visa, and then
within 2 years they moved me to Canberra as a sales head for the entire government sector. Right. So that's when I landed in Canberra. Mm-hmm. And obviously, हम लोग सब काम के लिए आए थे. We had no, what say, foresight of settling down because we were always on the move. हम लोग through Wipro US, सारे continent घूमते रहते. India and then Australia. वो Unisys, Wipro, HCL ये सब जो थे. Correct. और तो वो. Yeah, so it was all we were always on the move. So we never settled in one place for more than 3 or 4 years. अच्छा. So, Canberra आए and then suddenly we realized that this is different than every other place we lived in. It had that peace, shanti jo the. Or clearly we realized that this is the place to stay. And that's when I resigned from the company and then joined the local company. What Fujitsu. A loss to Wipro. Joined the local company. Achha, PR mil gaya. Yeah, and you applied for PR and that's it. And I applied for PR. Luckily, everything worked and joined the local company, Fujitsu. So, I've been with Fujitsu now for 6-7 years. Achha. So, 18 years in Wipro and then 6-7 years in Fujitsu. Canberra is your new home. Yes, so definitely Canberra. And you love Canberra. Yes, all of us really relish Canberra because it has got all the features of our early life. Because I was brought up in a place called Nasik. Achha. It's a township. Huh? In a township where they they manufacture MiG-29s and all the fighter planes. Absolutely. So semiconductor company hai. Yes. Main wahan kaam kar chuka. So my dad used to work in HAL, Hindustan Aeronautics Limited. Achha. So it's a township where you have everything self-sufficient. Sab log chota sa shehar hai. Sab kuch rehta hai usme. Everyone is of the same cadre and pretty much you have all communities, whether it is Gujaratis, Malayalam, Malayalis. Mini India. Yeah, correct. So pretty much all the cultures. And suddenly I realized that the same thing is there here in Canberra. Canberra, chota sa shehar, ek dusre ko jante hain. Correct. Aur jyada bada nahi hai. Lifestyle bahut acha hai. Pani, yes. Hawa kitni saaf hai. Yeah, it's a 20-minute city wherever you want. Where you want to travel. Ab 30 minutes ho gaya. Correct. Banks to, agar Moncrief jana hai, toh thoda time lagta hai, lekin otherwise. Correct. And in the last almost 11 years in Canberra, if I have to go to Ian Soccer Stadium, it still takes me 8 minutes. And this is the only capital city in the world jahan aap apne workplace ke bilkul pass mein bhi reh sakte hain. Aur kahan pe walking distance pe bhi reh sakte hain. 15 minute ka walk hai ya 20 minute ka walk hai ya half an hour ka. Kahan hai aap? New York, Tokyo, London, Nayi Delhi, kahin aap nahi reh sakte. Correct. Shruti, आपका कब आना हुआ और कैसे आना हुआ? हम 2007 में आए थे काम के सिलसिले में और मैं शॉन और क्रिस बहुत छोटा था तो प्यार हो गया कैनबरा से. अच्छा, शोनन से पहले प्यार हुआ फिर शोनन से ऑफकोर्स पहले हुआ था बट जब हम ऑस्ट्रेलिया पहली बार आए तो वी लव्ड कैनबरा. कैनबरा जैसे कनेक्ट हो गया. और जैसे प्रकाश जी बोल रहे थे वो नासिक से हैं, हम पूना से हैं. सो आई मीन नॉट बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पूना बट स्टडीड इन पूना फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो पूना भी ऐसे ही कैनबरा जैसे छोटा सा शहर है. ऑफकोर्स अभी इतना छोटा रहा नहीं मगर 20 मिनट्स सिटी जैसे बोलते हैं वैसे पुणे right. भी था. और सिडनी देखा, ब्रिस्बेन देखा और कैनबरा देखा और बस कहा कि अगर अप्लाई करेंगे नॉमिनेशन तो स्टेट नॉमिनेशन करेंगे और कैनबरा आएंगे. तो फिर 2013 में स्टेट नॉमिनेशन के तरफ से हम कैनबरा आए. okay. और हमेशा से यही हैं हम. श्रोताओं मैं बता दूं जो श्रुति यहाँ बैठी हैं, शोनन रोजारियो की धर्मपत्नी हैं. शोनन को कौन नहीं जानता, ज्वेल ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इंडियन रेस्टोरेंट मानिका के बीच एकदम बीचों बीच में है एकदम. और जो मानिका ओवल के ठीक सामने है, बड़े बड़े VIPs, प्राइम मिनिस्टर्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस सारे आते हैं और खाना खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं. और तो ये जो ज्वेल ऑफ इंडिया, आप ज्वेल ऑफ इंडिया साथ लेकर आए थे या ज्वेल ऑफ इंडिया बाद में बाइक किया? नहीं, तो हम जब पूना में थे तब हमारा रेस्टोरेंट था कोस्टल स्पाइस. okay. और हम वहाँ पे भी हम कोंकण फूड महाराष्ट्र में लेके आए, लाइक सी फूड जो स्पेशलिटी है, जो कोंकण कारवार और सिरसी कारवार का जो स्पेशलिटी है वो हम महाराष्ट्र लेके आए थे. तो हमारे रेस्टोरेंट में सारा कोंकणी फूड मिलता था. तो जब वहाँ हम कैनबरा में आए तब शोनन ने रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में एक्सपीरियंस लिया और फिर उन्होंने डिसाइड किया वहां से उसने फिर ज्वेल ऑफ इंडिया परचेस किया. एंड यू आर इन द पब्लिक सर्विस आप यहां पर या आप मैं आईटी में हूं. मैं आईटी में सेल्स सपोर्ट मैनेजर हूं एपैक के लिए और काफी टाइम से मैं आईटी में हूं. मैं शौनक के साथ रेस्टोरेंट में काम करती हूं जब जरूरत पड़े बट मोस्टली मैं जॉब करती हूं. ठीक है शौनक भाई तो यहां आ चुके हैं. उन्होंने बड़ा अच्छा वहां पे भी तड़का लगाते हैं यहां पे भी तड़का उन्होंने लगाया था लेकिन घर में कौन तड़का लगाता है आप या वो लगाते हैं. उनको पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मैं लगाती हूँ और यहाँ पे भी मैं ही बोलूंगी कि मैं लगाती. चलिए दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के और मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष और मेरे साथ विशेष मेहमान हैं श्रुति जी हैं प्रकाश जी हैं फ्रॉम द कैनबरा कुंकण कम्युनिटी और मना रहे हैं द क्रिसमस मैरी क्रिसमस. जी हाँ आ गया ज्यादा दिन नहीं कितना दिन है बहुत 18 दिन ही तो बचे हैं. जी हाँ 7 तारीख है 25 तारीख और तैयारियां तो अभी से शुरू हो जाती हैं तो आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे. क्रिसमस ट्री मेरे घर में तो लग गया आपके घर में भी लग गया होगा. सेंटा क्लॉज आने वाला बच्चों अगर आप सुन रहे हैं जी हाँ बी नाइस नॉट नॉटी और अभी से अपना रेफरी रिपोर्ट ठीक कीजिए तो आपको गिफ्ट भी आएगा. और भी बातें हैं और क्रिसमस कैसे मनाते हैं आप लोग कैनबरा कोंकण कम्युनिटी कैसे मनाएगा इस बारे में बात करेंगे लेकिन लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक. प्रकाश जी जो हैं बड़ी सारी लिस्ट लेकर आए हैं गानों की लिस्ट लेकर आए हैं. ऐसा पहली बार हुआ है मेरे 15 साल के रेडियो करियर में कि जब इंटरव्यू हुई जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो खुद गाने लेकर आया है और उन्हें एक नहीं 15-20 गाने लेकर आए हैं. बहुत बढ़िया अच्छा लगा प्रकाश जी थैंक यू सो मच. मेरा होमवर्क आपने सॉल्व कर दिया मुझे गाने अब चूज नहीं करना पड़ेगा. बताइए हमारे श्रोताओं को क्या सुनाने वाले हैं. आई थिंक बिफोर वी स्टार्ट हम लोग फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ सीकेसी वी वुड लाइक टू थैंक रेडियो मनपसंद फॉर द प्लेटफॉर्म. इट्स बीन रियली अमेजिंग बिकॉज यू हैव सपोर्टेड सीकेसी सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स स्पेशली during our programs where you give gifts to the Santa Claus and through Santa Claus. So I think it's a great initiative and on that record we've got sponsors like Kitchen King who also help us. So we couldn't have been successful without your support. नहीं, so नहीं, अरे, really appreciate the good support that हमारा छोटा सा एक योगदान है आप लोगों के परिश्रम में. इतना मेहनत करते हैं आप लोग और community के लिए तो उस बारे में बात करेंगे. चलिए गाना बताइए. यस गाना क्या होता है. गाना फर्स्ट दिस इज अ क्रिसमस सॉन्ग व्हिच इज नॉर्मली सांग ऑल ओवर एवरीवेयर ऑन 25th इन द चर्चेस ब्रिंगिंग जॉय टू द वर्ल्ड एंड दिस सॉन्ग इज जॉय टू द वर्ल्ड बट दिस सॉन्ग इज सांग इन हिंदी. सो ऑल योर लिसनर्स इन हिंदी जॉय टू द वर्ल्ड ब्यूटिफुल सॉन्ग इट्स अ कैरल. बहुत जरूरी है जॉय टू द वर्ल्ड जिस हिसाब से हालात हो रहे हैं पैंडेमिक के हालात हैं तो मैं यही कहूंगा कि दिस सॉन्ग इज वेरी अप्रोप्रिएट इस समय जबकि लॉकडाउन खुल रहा है लोग बाहर निकल रहे हैं थोड़ा सा और घुल मिल रहे हैं हंसी खुशी का माहौल बन रहा है. दोस्तों आप लोग लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद क्रिसमस का तड़का लगा के. हो मन भाई हमें
दोस्तों आशीष पाए हम यीशु के चरण में जब आए हम, क्या बढ़िया आपने, क्या एकदम मतलब क्रिसमस का रंग जमा दिया, माहौल बन गया, मैं तो डूब गया था उसमें। बड़ा अच्छा सॉन्ग लेकर आए जी। प्रकाश जी से बात हो रही है, प्रकाश जी एंड श्रुति जी मेरे आज विशेष मेहमान हैं रेडियो मनपसंद के, और बातें हो रही हैं जी क्रिसमस के बारे में, कैनबरा कोंकण कम्युनिटी कैसे मनाता है इस बारे में बात करते हैं। लेकिन कोविड में जैसे मैंने आप बताया कि काफ़ी हालात बिगड़ गए थे, 3 महीने से हम भी कैनबरा में लॉकडाउन में थे, और मेरे ख्याल से सारे विश्व में सभी शहर किसी ना किसी वजह से तो प्रभावित हुए हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुल गए हैं थोड़े बहुत या डोमेस्टिक बॉर्डर्स, लेकिन अभी भी हालात उतने ठीक नहीं लग रहे। करेक्ट। आप लोगों ने कैसे कोविड को कैसे लिया, मतलब कैसे आपने लॉकडाउन में अपना समय बिताया, या कुछ सीखा, कुछ नए स्किल्स सीखा, या कुछ अपने जिंदगी का कुछ क्या नया पहलू सीखने को मिला कुछ? आई थिंक काफ़ी कुछ सीखे हम लोग, स्पेशली इट हैज टच्ड ऑल ऑफ अस, फैमिली लाइफ, द वर्क बैलेंस लाइफ, वर्क लाइफ, इट हैज टच्ड द आर स्टेट ACT, इट हैज टच्ड द कंट्री, इट हैज टच्ड ऑल द कंट्रीज इंटरनेशनल, सो आई थिंक वी हैव लर्नड अ लॉट। एंड हम लोग CKC एज अ टीम वी हैव done something very innovative. So during lockdown we had virtual bingo on Zoom, so we everyone participated bingo on Zoom. Arre wa matlab lotto, yes, yeah, tombola jise, yeah, so we just we gave tickets to everyone through post, and then we had this bingo on Zoom, virtual bingo, so that was well received. वो मतलब उसमें पैसा इन्वॉल्व था या जैसे? There was a small amount. Not cryptocurrency. No, no. Not crypto. It was, the idea was to basically socialize. Okay. And no lockdown, nothing and can keep the mental health. Yes. का vibe, vibe, क्योंकि कुछ लोग अकेले रहते हैं. Correct. जिनकी सबकी family नहीं होती है. Correct. So they must be feeling so lonely. So everybody was cheered up when they they got the bingo prizes. क्या बात है? And to add to it, during the lockdown, we normally have events. So there was this event where it's called the Harvest Festival, Mary's Feast. Achha. So we normally have an event where we have the entire cultural events in Konkani, orchestrated by the kids. Okay. But this time because of COVID, hum log wo nahi kar paaye. So what we did was, again, thanks to Jewel of India, we all organized the food, and the volunteers, we gave food to everybody, all CKC people who had contributed, who wanted that food, the vegetarian food, and it was all done virtually. So we actually delivered to everybody's houses, and all of us, though we were in different houses, ate that same food, celebrated Mary's feast at the same time, and took pictures. So क्या बात है, Zoom पर even lockdowns cannot force CKC down. And ये feast की खासियत ये है कि खाना vegetarian बनता है. अच्छा. और odd numbers में vegetables जाते हैं, तो CKC ने अच्छा सा menu plan किया था, odd number के vegetarian dishes थे उसमें, और पूरा जैसे हम थाली बोलते हैं वैसे थालियाँ सबके घर पहुँचे, और everybody enjoyed it. And
everything was done on a banana leaf. So we supplied the banana leaves. अच्छा banana leaf मतलब जो यहाँ मिल गई थी आपको? Yeah, yeah. शोनन के साथ कुछ भी मिल सकता है. Jewel है. अपने भारतीय jewel जो होते हैं ना कैनबरा में हैं बिल्कुल. And that's the beauty of CKC because everyone contributes. I mean, it's all about. It's not about the money. It's just giving your hands and time. Absolutely. And that what? पता ही नहीं चला. तीन महीने कहाँ निकल गया? ऐसे हंसते खेलते. और स्पेशली बच्चे भी घर पे थे तो आई थिंक सबर ये सबसे बड़ा लेसन मिला है सबको. बच्चे आई मीन ऑनलाइन स्कूलिंग होता है ऑनलाइन और ऑफ कोर्स आईटी में तो सब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं बट आई थिंक सबर इज द बिगेस्ट लेसन इन टर्म्स ऑफ बच्चों में था lessons. आपके बच्चों में दिखा पेशेंस या दे वो बेचैन हो रहे थे? बच्चों से ज्यादा हम में दिखने लगा क्योंकि काफी चीजें यू नो जो हमको लगता है कि बच्चे दिन कैसा पूरा निकालते हमको पता चलता है बिकॉज नहीं तो हम ऑफिस चले जाते हैं बच्चे अपना दिन अलग से स्पेंड करते हैं तो उस हिसाब से आई थिंक एंड कोंकणी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से लाइक द ओल्ड किड्स हैव बीन इन टच और उन्होंने अपना व्हाट्सएप नहीं आजकल तो इंस्टा चलता है तो इंस्टा पे उनका कनेक्शन होता था हर हफ्ते एक दूसरे से बात करते थे वीडियो कॉल्स करते थे तो आई थिंक बच्चों ने भी बहुत अच्छे से मैनेज किया लॉकडाउन. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड. चलिए और कोंकण कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो पहले कोंकण जो जिनको पता नहीं कोंकण रीजन क्या है कहाँ कोंकण भारत में कहाँ है? सो कोंकण इट एक्चुअली स्पैन्स ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र कर्नाटका एंड केरला द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अच्छा एंड बेसिकली द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी. सो एवरीवन स्टेइंग अराउंड द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी टाउन मुंबई टू तिरुवनंतपुरम तक. Yeah, some parts of Kerala. Konkan area. So all of them speak Konkani. And hence it's called the Konkan region. Konkani. Yeah, so Konkani is our mother tongue. So we all speak Konkani at home or with our parents. And the idea is that one of the objectives of CKC is ki we should try to promote this Konkani language to the next generation. Right. So as we grow up in Canberra, we should ensure that they are also mentored in Konkani. They might not talk as much Konkani as we talk, but they'll definitely understand. They do understand. And hopefully they'll continue that legacy. जैसे हम लोग हिंदी घर में बोलते हैं, मातृभाषा है तो बोलते रहिए, उनके कानों में पड़ता रहेगा तो वो सीखते जाएंगे. और राइट फ्रॉम महाराष्ट्र से लेके डाउन केरला तक कोंकणी के इतने सारे डायलेक्ट्स हैं जो बहुत अलग है एक दूसरे से. सो वो भी जैसे हमारे कम्युनिटी में ही जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ कर्नाटका से आते हैं उन सब के कोंकणी में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा जब बात करते हैं. तो बच्चे जनरली सीख जाते हैं लाइक सुन सुन के सीख जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और मैंने तो कोंकणी या कोंकण जो ये कहते हैं कि जो वाइब था मूवी से देखा. सबसे पहले बॉबी आई ना मांगू सोना चांदी ना मांगू हीर तो वहां से सीखा प्रेमनाथ थे वो उन्होंने भला कोंकण का पूरा दिखाया. फिर उसके बाद सागर आई उसमें भी वो कमला हसन और सब वहीं पले बड़े होते हैं वो कोंकण एरिया में फिल्माया गया पूरा. वहां से सीखा कि हाँ कोंकण में इट्स मोर लाइक है. तो यहाँ पे जो कोंकणी कल्चर जो आप बता रहे हैं हिस्ट्री है ये डू यू हैव अ स्कूल या आप लोग मिलते हैं बच्चे कैसे मिलते हैं या आप लोग कभी कभी मिलते हैं कि आज कोंकणी में बात करेंगे कोई हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं गाने चलाएंगे या करियों की नाइट होता है ऐसा कुछ रखते हैं कभी? द हिस्ट्री इज दैट हम लोग 2017 वी केम इन 2013 एंड देन वी स्टार्टेड सोशलाइजिंग विद थ्री फैमिलीज हुम वी मेट somewhere in Indian store and figured. मैंने सुना आप ही ने इसकी एक foundation रखी थी. Yeah, so we just Konkan community. So we started with three families and then slowly we put it on Facebook and then we got more and more members and then in 2017 we realized that we are a sizable community and we started organizing events like Christmas events, Easter events. But it was not registered and then in 2019 we registered the organization Canberra Konkan Community under ACT. So it's still in its initial years, but the good news is that in the last three programs the kids have actually sung Konkani songs with English scripts, so which is fabulous, right? I mean you can't expect more, right? So I think that's good news. The other thing is that we have got monthly prayer meetings every month. So good times and bad times, all of us will have issues. So we'll pray for each other. So every month we have this prayer. So that's what's a
non-negotiable. Everybody meets. And then you have these events where we meet and socialize. Very nice. कोंकण की बात हो रही है, कोंकणी भाषा की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, तो एक गाना हो जाए क्रिसमस का कोंकणी भाषा में. आप जो आपने तो बड़ी लंबी लिस्ट लेकर आए, बताइए अगला गाना क्या आ रहा है. अगेन दिस इज फॉर ऑल द कोंकणी लिसनर्स एंड दिस इज जॉय टू द वर्ल्ड इन कोंकणी. अरे वाह, अच्छा दिस इज कोंकणी. कुछ अपनी भाषा में छोटा सा कोंकणी बोल दीजिए कि ये आ रहा है सॉन्ग, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, कुछ कोंकणी भाषा में हो जाए. अभी तुमने स्पॉट में लगा दिया मुझे. तो सकता कि कोंकणी ची लैंग्वेज जॉय टू द वर्ल्ड लिसन करूं संगता. वाह, चलिए जो मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा आया लेकिन बड़ा अच्छा लगा. चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के कोंकणी भाषा में नहीं है, हिंदी भाषा में रेडियो मनपसंद चल रहा है, लेकिन कोंकणी जॉय टू द वर्ल्ड और हर भाषा में जॉय टू द वर्ल्ड. चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए, मैरी क्रिसमस. श्रुति रोजारियो तुम्ही ऐकता साची रेडिओ मनपसंद ऐकता राबाती फण घालनो. आओ प्रकाश रेबेलो सगड ऐका रेडिओ मनपसंद तड़का लगा के. ओए होए क्या बात है. दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडिओ मनपसंद 24 घंटे सातों दिन पूरा तड़का लगा के. जी हां, हमारे साथ श्रुति हैं और प्रकाश जी हैं. कोंकणी में क्या ओपनिंग की है आप लोगों ने, मजा आ गया, तड़का लग गया, कोंकणी तड़का लग गया. चलिए बाप दिया. दोस्तों अगर आपने लेट ट्यून किया है तो आपको बता दें कि मेरे साथ विशेष मेहमान है श्रुति रोजारियो फ्रॉम और कैनबरा कम्युनिटी की वो सेक्रेटरी हैं और साथ में प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं प्रकाश रेबेलो जी. हमने बहुत सारी बात की कोंकणी की, कोंकण एरिया की. तो अब ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं. जो आपने बताया कि कैनबरा कोंकण कम्युनिटी भी बहुत फ्रेश है, नया है, अभी जवान है. कितने साल, 5 साल हुए हैं मुश्किल से? 2019 वी स्टार्ट. अच्छा 19 ही है. रजिस्टर्ड तो ज्यादा ही नहीं, 3 साल ही हुए. करेक्ट, अनरजिस्टर्ड 5 ईयर्स. अभी तो बच्चा लेकिन चलने लग गया है. अभी किंडरगार्टन भी पहुंच जाएगा. तो आप लोग इवेंट्स करते रहते हैं, तो इज इट ओनली क्रिसमस यू और या कुछ और भी, ईस्टर पे भी मिलते हैं कुछ फंक्शंस? या बिकॉज इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी राइट नाउ वी हैव जस्ट दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड चार्जिंग आवर मेंबर्स नॉमिनल फी. बट फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स वी डिडंट चार्ज. इट वाज ऑल अबाउट
would say giving and some sponsorships here and there. And then we organized these events where people pay some entry fee. And for उसी से cover होता है. Yeah, उसी से cover होता है. Funding मिलती है आपको government से या बाकी? We have not tried that yet. अच्छा. Hopefully, as we mature ourselves, we'll probably maybe, you should apply for, because ACD government do give out grants. Correct. For all these cultural activities, correct. To keep the culture alive या language alive, जो भी आपने कहा. That's right. तो कितने members हैं आप लोग के अभी? कितनी families होंगी? We have around almost 35 families okay, which is very, very good nice. Because we started in 2019 so it's three families yeah, three families so it's 35, it's very good it's very good so normally for every party whether it's Christmas Easter or Mary's feast we at least have 70 to 80 people from CKC Achha. And then we have friends our friends who come and attend along Achha. With us so our Easter and Easter especially Easter and Christmas are do bade events hai hamare saal ke start mein is bari humne calendar banaya tha so we have our Easter celebration Christmas celebration fir picnic fir Mother Mary ka feast ye sara hai to everyone's welcome to join us in our celebrations to member banne ke liye you have to be a Konkan से तो होना ही चाहिए एंड क्रिश्चियन होना भी इज इट इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल बट द आइडिया इज दैट द फर्स्ट अप्रोच इज लुक इफ यू नो कोंकणी इट विल बी इजी टू जेल बट वी हैव मेंबर्स हु आर नॉन कोंकणी एंड वी हैव मेंबर्स हु आर नॉन क्रिश्चियंस ओके वी हैव मेंबर्स टू हु जॉइन फॉर एवरी सेलिब्रेशन एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन द कल्चर एंड यू नो प्रोबेबली कोई ऐसे है जिनको शायद कल्चर उनका नहीं हो मगर वो वहां पे रहे हो तो वैसे भी काफी लोग हैं जो शायद कोंकणी नहीं बात करते हैं और उनका मेजर कल्चर नहीं है मगर वो उस एरिया में पले बड़े हैं तो दे आर वेरी क्लोज टू द कल्चर काफी इंडियंस हैं जो महाराष्ट्र या केरला से हैं या तमिलनाडु से हैं कोंकण को या उनके फ्रेंड्स हैं या जानते हैं या जॉब करते हैं वहां पे इनफैक्ट आई गॉट अ रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक दैट पर्सन सेड लुक आई एम नॉट फ्रॉम कोंकण कल्चर बट आई डिड माई इंजीनियरिंग इन मैंगलोर आई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज कैन आई जॉइन यू और मुझे खाना पसंद है एग्जैक्टली सो इट्स नॉट अबाउट रिलीजन इट्स नॉट अबाउट द मेंबरशिप फी इट्स जस्ट अबाउट लाइक माइंडेड पीपल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर्स एंड दैट्स द रीजन आई बॉट दोस सॉन्ग्स राइट मैं देख रहा हूँ आपके उसमें जो वाइब आ रहा है जैसे बहुत लोग होते हैं नॉर्थ में होते हैं मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन मुझे पंजाबी म्यूजिक पसंद है भांगड़ा पसंद है गिद्दा पसंद है मैं ज्यादा चाहे भले ही लैंग्वेज समझ में नहीं है लेकिन वो जो वाइब है वो right. मजा आता है और ये खाना उनका तो खाना एकदम वर्ल्ड फेमस है जैसे आप लोगों का है तो बहुत बढ़िया तो चलिए दोस्तों आप अगर आप कोंकण से हैं नहीं हैं इंडियन हैं नॉन इंडियन हैं ऑस्ट्रेलियन हैं कहीं से भी वर्ल्ड के किसी कोने से आते हैं प्लीज If you would like to join, कितना कोई membership fee है? It's around $20 per year. Per year, yeah, family है? Family for the whole family. It's nothing. And you give और Christmas में मिलते हैं कई जगह मिलते हैं और वो उसमें आपको तो इस बारे में और भी बातें करेंगे दोस्तों अब गाना बताइए क्या म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं कौन से लैंग्वेज का गाना आ रहा है बहुत सारे लैंग्वेज एक्चुअली द नेक्स्ट इज अगेन जॉय टू द वर्ल्ड बट दिस वन इज फॉर ऑल आर मलयालीज इन मलयालम And it's a mashup of Malayalam and English, but it's a long 7-minute song. So we'll play. छोटा play करेंगे और अगला जो है जो हमने मैंने पंजाबी की बात की तो एक छोटा सा पंजाबी टच भी दे देते हैं Sure. क्योंकि हमने देखा है कि काफी जो हमारी कम्युनिटी कैनबरा की कम्युनिटी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है मलयालम केरला से बहुत आई है पंजाब से बहुत आ रही है हमारे कम्युनिटी में है पंजाबी फैमिली अच्छा? जो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं तो चलिए तो उन सबको डेडिकेट करते हैं उन सब लोगों उनके लिए चलिए दोस्तों आप लोग और लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के जी आज मना रहे हैं क्रिसमस विशिंग यू वेरी वेरी मैरी क्रिसमस लगे रहिए सुनते रहिए Yeah.
जिन्हें खुशियां रंग ते हस दिते जेड़ा दुनिया च आया सब दे जी हाँ यसु आया अज सखियां दे सानू क्रिसमस आ दे आ मतलब मुझे तो ये पंजाबी आती नहीं लेकिन पंजाबी क्रिसमस सॉन्ग सुन के पहली बार मैंने सुना बड़ा अच्छा लगा एक वाइब आया ऐसा लग रहा है भांगड़ा करने का मन कर रहा है मेरा प्रकाश जी थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दोस सॉन्ग्स दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के और तड़का लग रहा है क्रिसमस इन ए डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट कल्चर्स में क्योंकि हमारे भारत में हर जगह क्रिसमस मनाया जाता है इन डिफरेंट फॉर्म चाहे वो आप कश्मीर से हों कन्याकुमारी से हों गुजरात से हों आसाम से हों सब लोग क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाते हैं जैसे दिवाली है होली है ईद है वैसे ही क्रिसमस भी है हमारे साथ हैं श्रुति फ्रॉम कैनबरा कोंकण कम्युनिटी सेक्रेटरी हैं और साथ में प्रकाश जी हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ कैनबरा कोंकणी कम्युनिटी के या कोंकण कम्युनिटी या कोंकणी कम्युनिटी कोंकणी कम्युनिटी कोंकण कम्युनिटी कोंकण कम्युनिटी जो वहाँ से हैं और क्रिसमस आ रहा है श्रुति एंड प्रकाश जी द बिगेस्ट मिलियन डॉलर क्वेश्चन हाउ व्हाट क्रिसमस मीन्स टू यू मतलब क्रिसमस क्या सो ऑन बिहाफ ऑफ कैनबरा कोंकण कम्युनिटी सबको क्रिसमस मुबारक मेरी क्रिसमस टू ऑल द रेडियो मनपसंद लिसनर्स द लॉयल लिसनर्स ऑफ रेडियो मनपसंद अरे वाह क्या बात है सबको थैंक यू सो मच क्रिसमस के समय सबको गिफ्ट देते हैं लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र इस संसार को दिया हे पुत्र अर्थात यीशु मसीह हम सभी को मानव जाति के लिए उपहार के तौर पर हमारे बीच में आए और हम उस परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट अर्थात उपहार के रूप में हम यीशु को मानते हैं सो इट्स ऑल अबाउट वन इज द एक्सटर्नल जॉय अदर इज द इंटरनल जॉय सो द आइडिया इज दैट ड्यूरिंग क्रिसमस इट्स अ गुड टाइम टू रीस्टार्ट वन सेल्फ सो All of us are, we commit mistakes, but during Christmas, what you do is you confess your sins and restart fresh for the new year. So, can we show Christ to others? Wow. So, that's the message of Christmas. We all see the external materialistic thing, right? Mm. The gifts, the Santa Claus, but can we be Christ to others? That's wow. the beauty of Christmas. Itna badhiya, apne short, sweet, ekdam message de diya. Aur mere khayal se sare festivals ka yahi mahatva hai. कि पहले अपने आप को क्लीन कीजिए अंदर से क्लीन कीजिए जो हम जो बोलते हैं ना घृणा है जो जेलेसी होती है या नेगेटिविटी होती है उसको निकालिए ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड दिस नेगेटिविटी इज नॉट न्यू ऑल ऑफ अस हैव दैट बिकॉज़ वी आर ह्यूमंस एब्सोल्युटली बट द ब्यूटी इन क्रिश्चियनिटी इज दैट यू कैन रीस्टार्ट एनी टाइम सो दिस इज द बेस्ट टाइम ओके सो यू गो टू द प्रीस्ट यू कन्फेस योर सिंस एंड यू रीस्टार्ट एंड ड्यूरिंग द न्यू जनवरी स्टार्ट एंड फ्रेश विद अ क्लीन हार्ट क्या बात है एंड यू विल गेट ऑल द शांति दैट One needs. वाह जैसे हिंदूज में होता है गो टू बनारस गंगा में नहाइए आपके पाप धुल जाते हैं Correct. भले ही गंगा मैली हो जाती है लेकिन आप साफ हो जाते हैं Correct. बहुत बढ़िया श्रुति आपके लिए क्रिसमस क्या है खाना पीना मस्ती लाइटिंग ऑफ कोर्स जैसे प्रकाश जी ने बोला है वो स्पिरिचुअलिज्म तो आता ही है अभी एडवेंट का टाइम चल रहा है तो काफ़ी टाइम प्रिपरेशन होता है मगर अगर आप एंजॉयमेंट की तरफ से देखोगे तो अभी अगले हफ्ते से शायद विनी जी ने तो शुरू भी कर लिया होगा एक बहुत ही स्पेशल हमारा जो हर क्रिसमस को बनता है कुसवार कुसवार का मतलब है फराल जैसे महाराष्ट्रियंस करते हैं दिवाली के लिए हम बनाते हैं और आप सरप्राइज्ड होगे जो भी मिठाइयाँ दिवाली के लिए बनती हैं एग्जैक्टली सेम मिठाइयाँ क्रिसमस के लिए बनती अच्छा। है जैसे आपके शंकरपारे हो या फिर शायद न्यूरी जैसे हम बोलते हैं उसको जो अपने गुजिया बोलते हैं आप वो हो या फिर ऑफ कोर्स बर्फियाँ होती है जो भी लड्डू सारे बेसन वाले अच्छा। या रवा वाले गुलाब सारे गुलाब जामुन ऑफ कोर्स उस दिन बनता होगा किसी के प्रेफरेंस के हिसाब से मगर जैसे ये थाल सजता है ये 9 या 11 आइटम बनते हैं
बनते हैं जो दिवाली के लिए बनते हैं, वैसे एग्जैक्टली क्रिसमस के लिए भी हम बनाते हैं, और उसकी तैयारी अभी शुरू जाएगी अभी अगले हफ्ते से होपफुली, और एक एक करके आइटम बनेंगे और क्रिसमस के एक दो दिन पहले सबके घर जाएंगे, तो हमारे कम्युनिटी में जितने भी फैमिलीज है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे अपना अपना जो थाल है वो लेके हर किसी को शेयर करेंगे, और क्रिसमस पार्टी के लिए भी वही एक ऑल्सो दैट इज़ अ हाईलाइट, क्योंकि बच्चों के लिए इट विल बी यूनिक, क्योंकि सारे जो हमारे ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं वो हम क्रिसमस पार्टी के दिन हम डिस्प्ले करते हैं और बच्चे एंजॉय करते हैं, सारे हमारे गेस्ट एंजॉय करते हैं, तो कुसवार इज वन ऑफ अ वेरी कुसवार बोलते हैं उसको, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिसमस। अरे वाह। एंड द ब्यूटी इज ये जो कुसवार बनता है it's not just made by the one member of the mother, it's made by everybody contributes, chote bacche se lekar bade boodhe tak, yeah, so the idea is that kuswar is not made by one person, it's a family tradition, everybody contributes in a small way, like mera beta as soon as Christmas aa raha hai to bolta kya karna hai because he knows that he has to do certain things, he get excited ki mujhe bhi kuch karna hai, jaise laddu banana ho ya cutting karna ho ya fry karna ho, haath mein leke goondna wo jo laddu banana ho haath mein leke wo jo feeling aata hai na, jaise gujiya main apni mummy ke sath gujiya bahut banata tha main shuru mein, Shruti aapne jo khane ki baat ki main aapke haath ka wo jo mithai hai sab taste kar chuka hu last year, इन्होंने पूरा एकदम थाल बना के मुझे दिया था और मेरे मुंह में पानी अभी भी आ रहा है उसको देख सुन के, क्या बहुत बढ़िया है, तो तैयारियां शुरू हो गई हैं, खाना बन रहा है, छुट्टियां आप लोगों ने ले ली होंगी, बच्चे भी स्कूल हॉलीडेज में जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए मतलब क्या क्या एक्साइटमेंट रहता है, बच्चे कैसे उसको मनाते हैं, जैसे यहाँ पर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और अभी फिलहाल तो ऑलरेडी चल रहा है काफी शोर शराबा प्रकाश जी के घर पे, बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं क्रिसमस कैरल्स के लिए, एंड वहीं पे हम उनको कुंकनी गाने भी सिखा देते हैं, उसी बहाने से वो थोड़ा गा भी लेते हैं बच्चे, तो अभी फिलहाल तो छोटे सारे बच्चे इनके घर पे हैं और सीख रहे हैं, जैनिस सिखाती है उनको हर साल विदाउट फेल, जैनिस क्वायर सेटअप कर देती है बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छे से बच्चे सिंग करते हैं, और आप क्रिसमस पार्टी में जरूर आइए और देखिए उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से, वो आपकी जो झांकी लगती है क्रिसमस की जैसे बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो मैं जहाँ पे जैसे अब लाइटिंग होने शुरू हो जाएगी कैनबरा में, एंड वी गो ऑन अ लाइटिंग टूर, वहाँ देखते हैं कि क्रिब, इट्स कॉल्ड द क्रिब, क्रिब, दैट्स राइट, वो इज इट पार्ट ऑफ दैट क्रिसमस, इट्स नॉर्मली क्रिब इज डन इन एवरीबॉडीज हाउसेस इन डिफरेंट वेज, एंड इन इंडिया देयर इज अ क्रिब कॉम्पिटिशन, सो व्हिच इज द बेस्ट क्रिब, हाउ योर क्रिएटिविटी इज टेस्टेड, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि कैसे एक वो माहौल बनाते हैं कि हाँ जीसस क्राइस्ट, हमारे शॉनन के अंकल हैं जो मेलबर्न में हैं, वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्रिब बनाते हैं, अभी लास्ट ईयर तो ऑफ कोर्स डिस्प्ले नहीं हुआ उनका, अच्छा। मगर मेलबर्न में उनका ऑस्ट्रेलियन द बिगेस्ट क्रिब इन ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल उनका पूरा पूरा सेटअप होता है, जैसे उस बेथलहम का पूरा सेटअप, अच्छा, बना के बहुत अपने हाथों से बनाते हैं हर साल, क्या बात है, जब जाएं आप मेलबर्न तो उसका वीडियो बना के अपने फेसबुक पर डालिए, हम शेयर जरूर शेयर love to see that, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम जन्माष्टमी में वही भगवान श्री कृष्ण का वो लगाते हैं कि जन्म कैसा हुआ था, तो पूरा वो झांकी लगती है जिसे बोलते हैं ना उसकी पूरा, बहुत बढ़िया, चलिए आप लोगों के घर भी सज गए होंगे, लाइटिंग लग रही होगी, क्रिसमस ट्री होगा, और जैसे मैंने पहले भी कहा बच्चों लोग सेंटा क्लॉज आ रहा है, सेंटा क्लॉज इज कमिंग टू टाउन, तो आप लोग अच्छे बच्चे बने रहिए, गिफ्ट्स लेकर आएगा बहुत सारे, और क्रिसमस पार्टी की तैयारी हो रही है तो उस बारे में बताएंगे कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, दोस्तों आप लोग लगे रहिए सुनते रहिए, जी हाँ कैनबरा कोंकण कम्युनिटी लेकर आ रहा है धमाकेदार क्रिसमस पार्टी इवेंट, जो कि अगले शनिवार 18 दिसंबर अभी मैं लॉकडाउन में लग रहा हूँ तो प्रकाश जी एक और गीत हो जाए क्रिसमस का कोई, ये दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ओ कम ऑल यू फेथफुल इन हिंदी, अरे वाह, चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, पास आओ विश्वासियों, करेक्ट, ओ कम ऑल यू फेथफुल, अरे वाह, चलिए लगे रहिए दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, एंड मेरी क्रिसमस एवरीबॉडी, आओ हम उससे पूजे, आओ
संग पृथ्वी जय जयकार ये गाए, स्वर्ग संग तुम गाओ स्वर्गीय वचन। नवजात प्रभु का करते सादर प्रणाम, ओ ईशु तेरी हो सदा महिमा। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। जी हाँ, क्रिसमस मना रहे हैं ऑन एयर, और क्रिसमस मनाने के लिए मेरे साथ हैं श्रुति एंड प्रकाश जी। चलिए, कार्यक्रम के बस अंतिम चरण पे आ गए हैं और बात करते हैं आपकी जो आने वाली क्रिसमस पार्टी है। जी हाँ, कैनबरा कोंकण कम्युनिटी लेकर आ रही है, बहुत ही बढ़िया, हर साल मनाते हैं, 2019 से मनाते आ रहे हैं, और मैं भी उसका भाग मैं तो जाता हूँ, बड़ा मस्ती होती है, मौज मस्ती होती है। आप बताइए श्रोताओं को क्या क्या होने वाला है एक्टिविटीज। 18 तारीख 6:30 बजे से, शाम 6:30 बजे से ग्रेस हॉल कैनबरा में हमारा क्रिसमस पार्टी है, एंड सब सबको हमारा निमंत्रण है, सब सब आइए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए। हम यूजुअली हम पूरा कोंकणी कल्चर डिस्प्ले करते हैं, तो हम कैरल सिंगिंग होगा और फिर सेंटा आएंगे, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए गेम्स होते हैं, और हर साल जैसे इस साल भी हम कुछ स्पेशल सरप्राइजेस रखेंगे, जैसे डांसिंग एंड सिंगिंग एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी अ सरप्राइज एलिमेंट, बट खाना, एंड देन विदाउट फेल वी ऑलवेज हैव बिंगो, तो हमारा सबसे फेवरेट आइटम है जो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं एंड ऑफ द पार्टी। हम प्रकाश जी खुद बिंगो चलाते हैं, तो क्विक पार्टी होता है बिटवीन 6 to about 10, 10:30, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, तो वी वेलकम एवरीवन टू जॉइन अस फॉर द क्रिसमस पार्टी। शनिवार सैटरडे 18 दिसंबर, जी हाँ, आप लोग खाली रखिए, 6:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। ग्रेस हॉल ये किधर है? बेलकॉनन में है। बेलकॉनन में है, तो इट्स अ चर्च, इट्स अ चर्च हॉल, चर्च हॉल है, वहाँ जाइए और आइए। और टिकट्स अगर कोई खरीदना चाहता है, टिकट्स हैं? हाँ, टिकट्स हैं, और फेसबुक पे आप हमारे कम्युनिटी पेज पे मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपके लिए टिकट्स रिजर्व कर सकते हैं। एडल्ट के लिए $40 है और बच्चों के लिए $30 है। अच्छा, उसमें खाना पीना, खाना एंड पीना एंड गेम्स, गिफ्ट्स सब, बाकी बच्चों। एंड सेंटा आएंगे कि नहीं आएंगे? सेंटा को आपने मैसेज भेज दिया? सेंटा को मैसेज भेज दिया, और सेंटा कुछ अलग करने वाला है इस। अरे वाह, अच्छा, अरे वाह, दैट्स गुड। हर साल सरप्राइज एलिमेंट होता ही है, तो क्या बात है। बच्चे लोग, आप लोग अगर, मेरे ख्याल से वैक्सीन आप लोगों के लिए अप्रूव हो गई है, जनवरी में आपकी वैक्सीन लगेगी, लेकिन सेंटा वैक्सीन लेकर नहीं आएगा, गिफ्ट्स लेकर आएगा, और वैक्सीन भी एक तरह का गिफ्ट ही है, उसको भी दो जैब लगा हुआ है। अच्छा, दो जैब लगा है, एग्जैक्टली मैं पूछने वाला था। तो क्रिसमस फेस्टिवल यह बड़े धूमधाम से कैनबरा में मनाया जाएगा, क्योंकि अभी सारे, मेरे ख्याल से कोई भी अभी तक कोई इतनी लैविश पार्टी अभी कहीं हुई नहीं है, बिकॉज जब से हम लोग लॉकडाउन से खुले हैं, जो 30th अक्टूबर में जब कैनबरा खुला है, और अभी भी लोग डरे हुए हैं, छुपे बैठे हैं कि नहीं अभी नहीं जाना है, तो ये दिस इज़ अ गुड वे, कम एंड मिंगल, क्रिसमस पार्टी मनाइए। डू कम एंड डू लाइक आवर फेसबुक पेज एंड डू लुक एट आवर इवेंट्स एंड फील फ्री टू पिंग अस और मैसेज अस सो दैट वी विल रीच आउट टू यू एंड मोस्ट वेलकम टू अटेंड ऑल आवर इवेंट्स। और जरूरी नहीं है कि आप कोंकणी
रीजन से हैं या कोंकण से हैं या कोंकणी भाषा नहीं बोलते हैं, आप वैसे भी आ सकते हैं, वहाँ इंग्लिश बोली जाती है। एंजॉय करना हो तो कोंकण कम्युनिटी की पार्टी में आ जाओ, आ जाए वो एग्जैक्टली कैरल्स होते हैं, डांस होता है और बड़ा मजा आता है, मुझे तो अच्छा लगता है। बाद में डीजे नाइट होती है और बाद में बिंगो, बिंगो ऑफ कोर्स, बिंगो। सो द होल मंत्र इज फेथ फन एंड फेलोशिप। वाह वाह, आपने बहुत बढ़िया एकदम छोड़ प्यारा मंत्र आपने बता दिया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तैयार कर लीजिए अपने, टेक योर ब्रेस्ट ड्रेस आउट, अभी से उसको आयरन कर दीजिए, जो लॉकडाउन में कहीं छुपी बैठी होगी, फंस गई होगी, सांस नहीं ले पा रही होगी, उसको निकालिए सूट वूट निकालिए, टाई शाई निकालिए और जूते वूते पॉलिश कर लीजिए और आइए अपने, और ड्रेस, और अगर मेकअप कराना है तो अभी से बुकिंग करा लीजिए क्योंकि उस समय बहुत भीड़ हो जाती है। और तो बस इंजॉय करिए। थैंक यू श्रुति, थैंक यू प्रकाश जी फॉर कमिंग ऑन रेडियो मनपसंद, अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरी तरफ से सीकेसी और रेडियो मन पसंद तरफ से इन कोंकणी आमी तुमका सोमेस तक बागी संतोष भरे नाताल फेस्ट उल्लास पटेता, विच मीन्स विश यू मेरी क्रिसमस इन कोंकणी। सो गुड, क्या कोंकण वाला तड़का लग गया, थैंक यू सो मच। चलिए अब जाते जाते एक और कोई गीत हो जाए, और आपने कई सारे जो अपने कई भाषाओं के जो गीत लेकर आए वो हमारे समय नहीं है, लेकिन हम वो लाइंड अप कर देंगे। और दोस्तों अगर आपने प्रोग्राम लेट ट्यून किया तो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और इसको हम फिर प्ले करेंगे, एंड यू कैन गो टू आवर यूट्यूब एंड फेसबुक पेज, वहाँ पे भी हम इसको पोस्ट कर देंगे, तो आप देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं श्रुति और प्रकाश जी को। और आपकी आवाज़ में कुछ गाना हो जाए श्रुति एंड प्रकाश जी, पहले कुछ छोटा मोटा कुछ भी गाना, कोई भी हिंदी, अगर आपके लिसनर्स को भगाना है क्योंकि टाइम हो गया, 5 मिनट और हैं, तो मैंने यही बोला कि लेकिन भगाना नहीं है, आप क्या बात कर, श्रुति तो अच्छा गाती है, मेरा आवाज है तो फिर कुछ भी चलेगा, आप कोई भी हिंदी पंजाबी बंगाली, आप जितने असामी जो आप गाना लेकर आए, श्रुति मराठी हो जाए, मराठी तो, हो जाए, फन सॉन्ग हो जाए, बिल्कुल हो जाए, हो जाए। गल्यान साखली सोन्याची ही पोरी कोणाची, गल्यान साखली सोन्याची ही पोरी कोणाची। वाह वाह, क्या माधुरी दीक्षित ने क्या तड़का लगा दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। माधुरी दीक्षित नहीं, वो तो ये थी पूजा भट्ट, पूजा भट्ट फ्रॉम द मूवी दिल है कि मानता नहीं। थैंक यू सो मच। और आपकी प्रकाश जी तो खाली गाना सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, तो अभी वी विश यू अ मेरी क्रिसमस इन हिंदी। अच्छा, लेकिन इसके बाद जो आपने बोला सभी लाइन में है, मराठी में ग्लोरिया इन एक्सेलसिस देओ, फिर साइलेंट नाइट होली नाइट इन गुजराती। अच्छा, उसके बाद एंजल्स वी हैव हर्ड एन आई इन तमिल, एंड हैप्पी क्रिसमस इन कोंकणी एंड इन कनाडा, सो वी हैव स्टिच्ड ऑल द लैंग्वेजेस फॉर यू। चलिए, एंड दैट वे वी नो दैट क्या मेरा भारत महान, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो ये सुर बने हमारा। चलिए हम सब गा देते हैं, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आप सुन रहे थे रिया रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा, थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू श्रुति जी, फिर से वंस अगेन, आप लोग ऐसे लगे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्रिसमस आप सभी को, और आपका नया साल भी एकदम खुशियां लेकर आए, शांति लेकर आए, उमंग लेकर आए, उत्साह लेकर आए। दोस्तों आप लोगों की भी जिंदगी में भी बस ऐसे ही मौज मस्ती चलती रहे, लेकिन अब उसके लिए आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, वैक्सीन नहीं ली है तो प्लीज जाके लीजिए, जी हाँ बहुत जरूरी है, और सारे जितने भी नियम है रेस्ट्रिक्शन है उसका पालन करते रहिए। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए, और बस आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम नमस्ते, और मिलेंगे आपको जी कल वेंसडे को। और साथ में अगर ये प्रोग्राम आपने नहीं सुना या लेट ट्यून किया है, इसको हम जल्दी ही यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, फेसबुक हमारा फेसबुक को भी लाइक कर लीजिए, वहाँ पे भी हम इसको पोस्ट करेंगे। लगे रहिए, सुनते रहिए, एंड टेक केयर, हैव अ लवली गुड नाइट, मेरी क्रिसमस।
Amen.
Happy Christmas, Happy Christmas to God. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to God. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to God. Jesus Bansal Mala, Jesus Bansal Mala, Jesus Bansal Mala, Jesus Bansal Mala. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas. संसारारी भूमि आकाशारी संतोष माडला मुरीचा मुस्क्यारी करताना कावेरी सर्वोंदा जलमाला सरका संसारारी भूमि आकाशारी संतोष माडला. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to God. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to संसारासो तारोक सर मुनशांसो बोरो गोळी आमसो इष्टांचो मोगासो धर्यो काकुतीसो आयलासो मी आमसो to God. Happy Christmas, Happy
ಕರುಣಿಸಿದ ಭುವಿಯ ಇರುಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕರುಣಿಸಿದ ಜನಿಸಿಹನು ಸ್ವರ್ಗದ ಪದವಿಯ ತ್ಯಜಿಸಿಹನು ರಕ್ಷಣೆ ಯಮಗೆ ತಂದಿಹನು ಪಾವನ ಪಥವನ್ನು ತೋರಿಹನು ಎಂದು ಹಾಡುವ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತ ಹರಸುವ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿಹನು ಮರಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿಹನು ಪಾಪದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆದಿಹನು ಶಾಂತಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿಹನು ಆತ್ಮದ ಅಳಲನ್ನು good will, the whole year around.
Just sing about the blue, blue sky. Leave your troubles all behind. Smile away and you will find love is all around you now. Forget your worries anyhow. Reach out and take my hand. And let's just dance. Forget the past, it's history. Let's sing of love for you and me. Live for now and for today. Tomorrow never comes anyway. Love is all around you now. Forget your worries anyhow. Reach out and take my hand. And let's just dance. It's a merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. Merry, 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 it's a very, very merry Christmas. Ye haath pakad ke dekho, chal ke do kadam. The world may change with the wink of an eye, but badlenge na hum. If you've had a heartbreak and you want to call, and your pocket's empty and you've lost it all, if your smiling face ever starts to grum, just pick your guitar and start to strum. Love is all around you now. Forget your worries anyhow. Reach out and take my hand. And let's just dance. Ooh, it's a merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry. Merry, merry, merry. A very, very merry Christmas. श्रुति रोजारियो तुम्ही ऐकता असाची रेडिओ मनपसंत ऐकता राबाती फण घालणं आऊ प्रकाश रेबेलो सगड ऐका रेडिओ मनपसंत तडका लगा के.